नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूँ आपके साथ अक्षय पटेल जेपी। इस वक्त मैं बलिया जिला में उपस्थित हूँ और यूपी में अभी इलेक्शन चल रहा है। इसके आगे की बात को बताने का काम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि घर वाला घर का होता है, बाहर वाला बाहर का होता है, इसलिए बाहर वाले को 3 तारीख को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री और बलिया विधानसभा सोनाल राय जी को इतना आपको सच जिताने का काम करेंगे। ये नई पीढ़ी है और हमारे भारत के भविष्य यहाँ पर अभी उपस्थित है। मैं इन लोगों को सबसे पहले अपने पार्टी के लिए जिस प्रकार की सरकार ने युवाओं को एकदम साइडलाइन कर दिया है, और आपने भी देखा होगा, पूरा प्रदेश ने देखा कि किस प्रकार एनटीपीसी और पीटी के पत्रांजलि को जब युवाओं ने इलाहाबाद में विरोध किया तो पुलिस ने किस प्रकार पीटा, और बंदूक के पट्टों से जिस प्रकार पीटा है। इस सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि युवा क्या कर सकते हैं। इस बार युवा एकदम समाजवादी पार्टी के साथ है और मजबूत है। देखो सरकार अखिलेश यादव की गलती है, युवाओं को विशेष रूप से ध्यान दे और परिवर्तन की तरह इंसाफ चालू करे। और आउटसोर्सिंग की जो समस्या है, इस सरकार ने चालू किया है, उसे एकदम से बंद किया जाए। इसमें एकदम शोषण हो रहा है देश के नौजवान युवाओं का। सरकार किसी का भी हो, लेकिन ये मेरे भारत की जो भविष्य है, इनके समस्याओं को समझा जाए और सुना जाए, क्योंकि आगे के भारत का भविष्य यही है और यही पूरे भारत को क्या यहाँ के स्थिति परिस्थिति बताए। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल में भी रही और स्टेट में भी रही, और विकास के नाम पे NH-31 आप अभी बगल में आप देख रहे हैं, जिसमें हर रोज न जाने कितने लोग घरौली से लेकर माजी तक के बीच में एक्सीडेंट होता है और कितने लोगों के पैर टूटते हैं, हाथ टूटते हैं। वर्तमान में इस ग्राम सभा में खड़ा है, मात्र 10 दिन पहले यहाँ की एक पुरुष और एक महिला का एक्सीडेंट यहीं ठीक बगल में 5 मीटर की दूरी पर हो गया और बुरी तरीके से वो महिला जख्मी हो गई और उसका इलाज बलिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। इसकी मूल वजह यह थी कि पूर्ववर्ती सरकार में श्री नारद राय जी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, अखिलेश यादव जी की सरकार में उन्होंने एक ट्रामा सेंटर बनवाया हुआ था, लेकिन भाजपा की सरकार में 5 साल सेंट्रल और स्टेट में रहने के बाद और वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं इस भाजपा की सरकार में, उन्होंने उस ट्रामा सेंटर को चालू कराने का काम नहीं किया। हमारे यहाँ बोलबाला नहीं, एक तरफा लड़ाई चल रही है श्री नारद राय जी की, और पूरे विधानसभा की अगर बात करें तो हमारे यहाँ 7 विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग जो है भाजपा के गलत नीतियों और कुरीतियों से परेशान है। जो जितने भी नौजवान है वो बेरोजगारी को लेकर और जितने भी किसान है वो अपनी फसलों को उचित दाम न मिलने की वजह से और साढ़ों से परेशान है। देखने की एक बात है, यहाँ पर ठीक यहाँ पर 3 तारीख को चुनाव होने वाला है। 3 तारीख इन लोग का चुनाव ठीक भी क्या है, चुनाव नंबर क्या है? चुनाव नंबर भी 3 है,
जिस पे हमारा साइकिल का निशान है और यहाँ की सभी जनता पहले से मन बनाकर बैठी हुई है कि हमें केवल और केवल साइकिल के निशान पे बटन दबाना है। आप यहाँ बगल में देखिएगा, ये जो रोड आपको दिखाई दे रही है, ऐसे ही यहाँ के तमाम गाँव में आप जाएंगे तो माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में हर ग्राम सभा को माननीय जलेश्वर मिश्रा जी के नाम पे जो स्कीम चली थी उसके माध्यम से हर ग्राम सभा में 40 लाख रुपए का आवंटन करवाया था और लगभग हर ग्राम सभा की हर सड़क उसी समय की बनी हुई है। इस भाजपा के कार्यकाल में आपको कहीं भी एक सिला पटवन जब नहीं आएगा भाजपा के विधायक के नाम का। अब ये देखना है कि 3 तारीख तीसरा महीना दिन नंबर के बटन वो यहाँ की जनता चाह रही है या नहीं। 3 तारीख को ईवीएम का बटन दबेगा और सारे जितने भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, जितने भी इस चुनाव में लड़ रहे हैं, उन लोगों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जब ईवीएम के पिटारा खुलेगा तो देखा जाएगा कि यूपी के गति पर किसकी सरकार बन रही है, कौन चला रहा है अपने पंचायत में यूपी की सरकार और किसके सर पे यहाँ की जनता बांध रही है ताज। तो आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं जिला रिपोर्टर अक्षय भजन देवी, उत्तर प्रदेश बलिया। हेलो, मैं बिहार से और आज आप यूपी में आया हूँ। यहाँ अभी इलेक्शन की माहौल और यहाँ पे क्या उम्मीद है पार्टियों का? उम्मीद क्या बात कहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पे आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि शहर की सड़क सफाई की स्थिति क्या है यहाँ पर? शहर की सफाई की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं है और इसका कारण आप जानते हैं बेहतर क्यों नहीं। जो इस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नारद रहा है वो भी नगर विकास राज्य मंत्री रहे हैं। उस समय नगर पालिका की स्थिति यह रही कि नगर पालिका में जिस समय राज्य मंत्री के तौर पर यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि हर गली गली में डूडा के माध्यम से बड़े बड़े पत्थर और बेहतरीन बेहतरीन कार्य करते हुए वही भाजपा की सरकार आई। जो इस समय नगर में प्रत्याशी के तौर पर भाजपा से जो प्रत्याशी हो रहे हैं, जो वर्तमान में जो नगर पालिका में युवा उनका प्रश्नदाता यही प्रत्याशी है जयशंकर सिंह। जो जयशंकर सिंह जिस शख्स का नाम है उन्हीं के मर्सी पे यहाँ का यो उन्हीं के प्रसर पे यहाँ का यो चलता है। अब तो और दिक्कत हो जाएगी भाई अगर ये प्रत्याशी खुदा न खासे भगवान को ऐसा मौका नहीं बनिया की जनता का ऐसा होने नहीं देगी। अगर ये जीत जाता है खुदा न खासे तो यहाँ का तो नगर पालिका के बहुत और बहुत हो जाएगी। ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात सारी बलिया की जनता जानती है। अभी क्या जो भी आपको हर चीज खुदा के ऊपर निर्भर होती है। खुदा के नाम देके इंसान ही यहाँ पर भगवान है, इंसान ही सब यहाँ पर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ पर हमारे साथ सफाई के बारे में मैं यहाँ पर जानकारी ले रहा हूँ। यहाँ बताइए नल जल की स्थिति क्या चल रही है? नल जल के यहाँ पर क्या स्थिति है? पानी आर्सेनिक ठीक है, नल की बहुत स्थिति खराब है, बहुत खराब है, बहुत इलाके हैं जहाँ आर्सेनिक पानी आते हैं। यानी यहाँ पर पानी मिलती है? हाँ हाँ, पानी सप्लाई नल जल। और यहाँ पर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मैं देख रहा था कभी यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे जो तो पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेंबर साहब हैं, मेंबर साहब। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार है, बसपा नगर पालिका हूँ। के नाम पे जिस प्रकार बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और अखिलेश यादव ऐतिहासिक काम जो किया था पिछली सरकार में, जैसे तमाम नई योजनाएं लाए, 100 नंबर लाया, उसके बाद रोजगार के लिए तमाम लोगों को रोजगार दिया, उसके बाद तमाम सड़कों का जाल बिछाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, मेट्रो, तमाम जो नई नई योजनाएं तरीके से पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री ही किसी प्रदेश को चला सकता है और विकास के पथ पर ले जा सकता है। एक याद रहे 3 तारीख को ईवीएम के वही बटन को दबाना है जहां आपके मन करे, क्योंकि आपकी मत आपकी मन किसी के बहकावे में ना आवे, अपनी मत को अपने उस सही जगह पर दें जहां की आपको परिपूर्ण रूप से विश्वास हो कि मेरे क्षेत्र का विकास होगा। तो आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं जिला रिपोर्टर अक्षय भजन देवी, अभी बलिया उत्तर प्रदेश में मैं उपस्थित। हमारा नाम चंदन गुप्ता है, पूर्व समाजवादी
और यहाँ के मतलब ये बताइए बेरोजगारी की क्या स्थिति है यहाँ पर? बेरोजगारी की स्थिति यहाँ पे क्यों पूरे प्रदेश में बढ़िया में जो है पूरे प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति है बिहार के अपेक्षा? बिहार में तो शराबबंदी चल रही है, यहाँ क्या है? देखिए शराबबंदी का कोई मतलब नहीं, बिहार में आपको दारू चाहे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, वही होगा जो 150 मिल रहा है 300 मिल रहा है। मतलब शराबबंदी है या नहीं है लेकिन महंगाई है? महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पे पूरे भारत में, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे। चाय दो पिया। तो अभी आपको यहाँ पर किस सरकार की मतलब बीजेपी की जो सरकार यहाँ पर जो अभी सरकार है अभी वो सरकार कैसे चला रही? देखिए सरकार तो 5 साल से है बीजेपी की, ना महंगाई पे लोगों का लगाम लगा पाए, ना बेरोजगारी पे लगाम लगा पाए, ना शिक्षा पे लगाम लगा पाए, इसलिए जनता की शादी है बदलो। यानी यहाँ पे भी भ्रष्टाचार है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसका कोई दो राय नहीं है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है हर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में जो काम 100 रुपए में होता था अभी 1000 में हो रहा है। चलिए भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ तक पता चल रहा है कि है, और भ्रष्टाचार को मिटाने वाले यहाँ के पब्लिक है, पब्लिक चाहेगी तो ही भ्रष्टाचार मिट सकती है, और ऊपर की सरकार जो बैठी हुई है वो सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए इस भ्रष्टाचार में, क्योंकि ऊपर से सारा चीज हो रहा है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूँ जिला रिपोर्टर अक्षय भजन जेपी, अभी मैं बलिया यूपी में उपस्थित हूँ। तो जनता को धोखा देती है और यहाँ के प्रत्याशी को वहाँ हटा देती है, जनता को हिसाब नहीं देती है, और 5 वर्ष में जनता को एक बार हिसाब करने का मौका मिलता है और जनता को हिसाब नहीं देती है, प्रत्याशी को यहाँ से भगा करके वो दूसरे क्षेत्र में करती है, दूसरे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र करती है, इसका प्रत्याशी कोई भी एक भी विकास का काम नहीं करती है, केवल झूठ मूठ का वादा करती है। मैं सलीमपुर का रहने वाला हूँ, मूल निवासी, और पिछले बार चुनाव भी लड़ा। कौन सा सलीमपुर, किस राज्य में? ये सुराज सलीमपुर है, शंकरपुर के पास है, वहाँ सात पिछले 3-4 वर्षों से वहाँ हमेशा किसान मजदूर और सारे किसानों की फसल डूब जा रही है, और पिछली सरकार में मस्त भी आए थे वहाँ वादा किया था कि हम निकलेंगे, जल निकासी की समस्या दूर करेंगे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, 4 साल 5 साल ये हो गया, 2 साल 7 सालों में वहाँ एक भी कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। अभी किस जगह पे आप उपस्थित हैं? अभी हम दरामपुर में हैं। अभी कौन सा राज्य है? अरे उत्तर प्रदेश है। स्वागत है यूपी में, आप यहाँ पर मीडिया के माध्यम से रूबरू हुए और जनता के सामने अपनी बात रखने का सबको मौका मिलना चाहिए। स्वागत है आपको बलिया में। बलिया चूंकि बिहार से सटा हुआ जिला है, भले यूपी में पड़ता है लेकिन राहुल शहर के मायने में बिहारी ही है, ये पड़ोसी राज्य है बिहार का, बगल में एक सटा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश, और जो यहाँ की जनसंख्या बहुत काफ़ी बताई जाती है, और यहाँ पर अभी हम विधि व्यवस्था को देखते हैं, दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर उपस्थित हूँ, ये भरौली जगह का नाम है, और यहीं से इस पार में यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और इससे आगे यहाँ पर पुल है, पुल जब पार करेंगे तो हम बिहार में प्रवेश करेंगे। विशेष यहाँ पर कुछ जनता है जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, इधर थोड़ा घुमाइए शराब पी के घूमते हैं, कोई पुलिस नहीं पकड़ती है, लेकिन यहाँ से शराब पी करके अगर बिहार में लोग जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस पकड़ती है, बिहार में शराबबंदी, यहाँ पर शराब चालू है, आप लोग पीते हैं आप लोग पीते हैं तो पकड़ा जाइएगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा दिनारा थाना किस गाँव के हैं आप? वरन से। आप उत्तर प्रदेश बलिया जिले के भरौली में उपस्थित हूँ, और ये चेक पोस्ट यहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश का चेक पोस्ट है, यहाँ से आगे बढ़िएगा, इस ब्रिज को पार कीजिएगा, आगे में बिहार पुलिस वाले लोग हैं, यानी अपने बिहार के बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि जो यहाँ से उत्तर प्रदेश के पुलिस है यहाँ पर उपस्थित है, अपने ड्यूटी पर अपन तैनात रहते हैं, कोई यहाँ पर गलत न हो इसके लिए ये लोग अपन तत्पर रहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़िए और मैं ये सब लोग दिखाता हूँ ताकि हमारे पास
आप यहाँ पर सात दिन चक करके मेहनत करने वाले तो पुलिस कर्मी चुप चुके हैं जो कि उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पर अगर ये देखा जा रहा है तो मतलब चेक कब हो गया आप चेक समय समय पर किया जाता है, हमारे इंस्पेक्टर सर आते हैं थाना प्रभारी सर तो समय समय पर चेक किए जाते हैं, यहाँ पर बैरियर लगाया गया है चुनाव को देखते हुए, और समय शाम को सर हमारे आ जाते हैं 4 बजे के लगभग, तो 3 घंटा चेकिंग करते हैं, सघन चेकिंग किया जाता है, सभी गाड़ियों को चेकिंग किया जाता है, फिर सुबह में 10 बजे आ जाते हैं लगभग 1.5 घंटा चेकिंग किया जाता है। अभी चुनाव की यहाँ पर प्रक्रिया चुनाव की माहौल है और चुनाव के माहौल में लेकर हाँ 2-3 बार चेकिंग किया जाता है, रात में भी हमारे इंस्पेक्टर सर आते हैं 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चेकिंग की जाती है, बैरियर लगाया गया है, यानी कोई भी अवैध इधर प्रवेश न करे और उधर भी ना जाए, क्योंकि बिहार वाले तो शराब के लिए बैठे हैं कि इधर से शराब उधर नहीं देते, यहाँ पर शराब बंदी के लिए क्या स्थिति है, यहाँ से शराब पी के घूमते होंगे लोग? नहीं नहीं रोड पे नहीं घूमते हैं सर, रोड पे कोई शराब नहीं घूमता है, यानी शराब पी और अपने घर पर रहो। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपनी ड्यूटी पर खड़े और समस्या नहीं है, हम नगर पालिका में वाहन प्रमुख कार्य वाहन प्रमुख। अच्छा, यहाँ से सफाई की स्थिति क्या है? सफाई की स्थिति सब जिलों में बेहतर है, यहाँ हमारे चेयरमैन साहब अजय कुमार समाजसेवी जी यहाँ जो ऐतिहासिक काम कर दिया है वहाँ यहाँ आज तक ना कोई किया है और ना करेगा। कुछ लोग तो चेयरमैन के बारे में गलत बता रहे हैं, बताइए क्या? वो विरोधी होंगे तो गलत बता रहे हैं। यहाँ जाके आप देखिए ऐतिहासिक नाला बना हुआ है, नाला पे आप जाके देखिए वैसा नाला पूरे पूर्वांचल में वैसा नाला नहीं बना है, और सफाई की व्यवस्था देखिए, गली देखिए। अच्छा, यहाँ से कचरे जो रास्ते के किनारे डाला जाता है सब डंप होता है? वो लगभग हमें लग रहा है कि 10 बजे तक डंप हो जाता है, 10 बजे तक पूरा शहर सफाई हो जाता है और बसंतपुर चला जाता है। सफाई करने कितने समय से कितने समय तक करते हैं? 5 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करते हैं, फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे। चलिए, आपने जानकारी दी, आपको यूपी में बहुत बहुत स्वागत है और संगम में उपस्थित हूँ और यहाँ पर इस दवा केंद्र के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, अभी तो यहाँ पर माहौल चल रही है इलेक्शन, इलेक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी हमें दे सकते हैं? बीजेपी के सपोर्टर है क्या? आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार के लिए आते हैं? अच्छा, ये बताइए योगी सरकार ने अभी आपके उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ किया है, कोरोना काल में अगर योगी सरकार और मोदी सरकार नहीं होती तो सारे जनता मर गई होती, दूसरी सरकार होती तो, और सारे तो जनता को जिंदा कर दिया, और जनता को हमेशा बीजेपी का सहयोग करना चाहिए। ये बताइए कि आपके उत्तर प्रदेश में हमको लग रहा है कि शराबबंदी तो अभी यहाँ नहीं चल रही है, और बिहार में शराबबंदी चल रही है, तो बिहार के अपेक्षा बिहार का रूल अच्छा है या उत्तर प्रदेश का? ये बिहार का भी रूल अच्छा है उसके सरकार के अपेक्षा, और यहाँ का भी रूल अच्छा है यहाँ की जनता के अपेक्षा, और ऐसे खुलेआम जो चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए, लेकिन सरकार जैसा सोचे इसके बारे में। लेकिन मतलब बिहार का अपेक्षा यहाँ अच्छा एक रूल है जो कि शराब की मतलब चालू है? चालू तो है, लेकिन सरकार की व्यवस्था के अनुसार और सरकार की सब्सिडी जो करें वो आबकारी विभाग से जो जाता है वो सरकार के खाते में जाता है, या जो जनता के अपेक्षा जो भी हो रहा है यहाँ अच्छा ही हो रहा है। और यहाँ का पूरे शहर का सब सफाई का यहाँ की स्थिति क्या है? बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। यहाँ का ईओ और चेयरमैन बहुत ही गंदा है। अच्छा, लेकिन अंदर में मैं गया था जब अभी नगर पालिका के अंदर में गया तो वहाँ बता रहे हैं लोग चेयरमैन बहुत अच्छे हैं और बहुत चेयरमैन अच्छा है, यहाँ का ईओ अच्छा है। क्या नाम है चेयरमैन का? चेयरमैन का अजय कुमार समाज वो निकलते ही नहीं घर में, यहाँ का क्या सर घर में से निकल कोई दिखाई नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? पंडित मंथन कुमार मिश्रा है। क्या आपका समस्या क्या है? वही सफाई का कोई दिखाई नहीं देता, सफाई कर्मी मंदिर के आगे भी कूड़ेदान
यहाँ तो लोग कहते हैं कि 8 बजे के बाद ड्रम हो जाता है, यानी 8 बजे यहाँ के सारे कचरे उठ जाते हैं। सर क्या सही बात है? नहीं बिल नहीं उठता, पहले उठता था, पहले उठता था, कितना दिन पहले उठता था? कभी नहीं उठता था, कभी नहीं उठता था। ये जो लोग कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, सब उन्हीं के लोग कह रहे हैं। आम लोग अपना साफ सफाई कर रहा है, शहर एकदम नरक हो गया। फिर मान लीजिए शहर नरक हो गया, फिर भी योगी सरकार क्यों अच्छी है? योगी सरकार अच्छी है, लेकिन यहाँ का जो व्यवस्था करने वाला यहाँ पर बेरोजगारी की क्या स्थिति है? बेरोजगारी सही है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है? बेरोजगारी है और यहाँ पे नल जल के योजना सही है, सही है, बीजेपी सरकार आई है तब से लाइट सही है, लाइट सही है, हर किसी के जल मिल रहा है। जल और लाइट हर जगह मिल रहा है, हाथ में जैसा। और इससे पहले बीजेपी की सरकार जब नहीं थी, इसके पहले लाइट कोई भरोसा नहीं था, 5-5 घंटा 6-6 घंटा 7-7 घंटा लाइट जान रहती थी। बीजेपी गवर्नमेंट जब से बनी है तब से लाइट को पाया कम नहीं। कौन सी जगह है? यूपी। क्या